ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजरें गड़ा दी। कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की रूस में एक विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बाद शायद पुतिन ही वैगनर ग्रुप को कंट्रोल करेंगे। और हुआ भी वही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पुतिन ने वैगनर ग्रुप के साम्राज्य पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, लेकिन इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के जून में पुतिन से बगावत के बाद वैगनर ग्रुप को शक की नजर से देखा गया। लेकिन बगावत के ठीक दो महीने बाद अब जब प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है तो दावा किया गया कि पुतिन इस ग्रुप पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। बताया गया कि इसीलिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजर गड़ा दी, ताकि जल्द से जल्द वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पूरी तरह अपने पाले में लाया जा सके। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मुलाकात से पहले संयुक्त राष्ट्र ने ग्रेन डील पर रूस को एक प्रस्ताव भेज दिया, जिसका मकसद किसी भी सूरत में रूस को काला सागर में अनाज समझौते पर लौटने के लिए तैयार करना बताया गया। रूस इसी साल जुलाई में ग्रेन डील से पीछे हटा था और इसीलिए कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज के प्रमुख निर्यातक हैं। लेकिन अब जब रूस काला सागर में अनाज समझौते से पीछे हट चुका है तो इसका असर यूक्रेन के अनाज निर्यात पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई देशों में भुखमरी के हालात बनने की आशंका जताई गई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने रूस को एक बार फिर अनाज समझौते पर लौटने के लिए प्रस्ताव भेज दिया। खबर के मुताबिक जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप एर्दोगान की मुलाकात होगी। पिछली बार तुर्की के प्रयास से ही रूस ग्रेन डील को तैयार हुआ था, इसलिए ये उम्मीद की गई कि शायद दोनों की मुलाकात के बाद रूस काला सागर में अनाज समझौते पर लौट आए। और उधर सीरिया में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से नाराज लोग वहां के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर उतर गए, लेकिन सबसे तेज प्रदर्शन वहां के सुवेदा प्रांत में देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए और बशर अल असद सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने काफी देर तक सड़कों पर प्रदर्शन किया। पुरुषों के साथ महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल दिखी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पा रही है। सीरिया में सरकार ने दो हफ्ते पहले ईंधन की कीमतों में दी जाने वाली सब्सिडी में एक कटौती कर दी, जिसके बाद वहां लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर गए। दो हफ्ते पहले शुरू हुआ प्रदर्शन अब और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने इस साल के अंत तक यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की घोषणा कर दी। 27 देशों का संगठन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता आया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल नवंबर महीने में यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ ही इस मिशन की शुरुआत की थी। तीन महीने बाद उस लक्ष्य को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोराल के मुताबिक अब इस साल के अंत तक यूक्रेन के 40,000 सैनिकों को जंग के लिए तैयार किया जाएगा। दावा किया गया कि यूरोपियन यूनियन अपने इस मिशन के तहत यूक्रेन के करीब 25,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है, जो जंग में रूस की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने अपनी खतरनाक सरमात मिसाइल को जंग के लिए तैयार कर दिया। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में होती है, क्योंकि ये करीब 18,000 किलोमीटर तक हमले कर सकती है। यानी बीते 20 महीनों से जारी जंग में पुतिन अब आर या पार के मूड में है। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन के आदेश के बाद वहां की सेना परमाणु हमला करने में सक्षम सरमात मिसाइल को युद्ध के मैदान में उतारने वाली है। जून में ही पुतिन ने इस बाहुबली मिसाइल को युद्ध में इस्तेमाल करने की बात कही थी। रूस की सरमात मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश होंगे। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है।